तो हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई हो के साथ बढ़िया होंगे, ठीक होंगे। तो फाइनली गाइस आ चुके हैं गदर 2 के एक और न्यू एपिसोड में वापस। एंड फाइनली गाइस 22 साल का इंतजार वो खत्म हुआ एंड फाइनली हम मूवी देख रहे हैं। तो गाइस मैं आप सभी को स्टार्टिंग से बता दूं कि एग्जांपल के लिए लोगों की एक थिएटर में 100 बैठने की कैपेसिटी है, उसमें से 85 लोगों को मूवी पसंद आती है, 15 लोगों को शायद ही वो मूवी पसंद ना आई हो, जो कि सीन गाइस यहां पर भी ऐसा ही क्रिएट हुआ। 15 में से गाइस आप ही वो हो सकते हो। एंड वो उन 15 लोगों में क्या वो रीज़न था भाई उन पब्लिक के बीच में जो उनको ये पसंद नहीं आई, वो भी आप सभी को बताने वाला हूं क्या रीज़न था। शायद उनमें से आप हो, क्या आपने भी इस तरह क्या पता एक्सपेक्टेशन से लगाई हो कि इसमें ये वाला सीन होगा और ना हो, फिर आप डिसअपॉइंटेड हो जब मूवी देखे आओगे। इसलिए मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ एंड आप डिसाइड कर सकते हो उसके बाद कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या फिर नहीं देखनी चाहिए। और पर्सनली गाइस मुझे ये मूवी गाइस कैसी लगी, इसमें सीन वगैरह जो भी है तो बात करते हैं फुल डिटेल्स के साथ। उससे पहले सबसे छोटी जो अब तक चैनल सब्सक्राइब क्या करो यार, जल्दी से कर लो सब्सक्राइब इसी तरह अपडेटेड वीडियोस के लिए। भाई सबसे पहले मैं स्टार्टिंग से ही आप सभी को बता दूं, एक मूवी स्टोरी की यहाँ पे स्टोरी रिवील करना एक क्राइम टाइप का होता है। जैसे मैं आज करूँ, आज ही मूवी रिलीज हुई है तो ज़्यादा हम यहाँ पे स्टोरी रिवील नहीं करेंगे, हाँ बात करेंगे कि इसमें ऐसा सीन ये वगैरह जो भी है। तो भाई सबसे पहले यहाँ पे सीधा मूवी पर आते हैं, डायरेक्टली ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो भाई मूवी की बात करूँ, देखो भाई सन्नी पाजी हो गए विद टीम हो गया। मैं सबसे पहले यहाँ पे देखूं, अगर आप टीजर एंड ट्रेलर देखने के बाद डिसाइड करोगे हमें ये मूवी नहीं देखनी है गाइस, तो आप ये दिस इज मतलब रॉन्ग डिसीजन लेंगे। मुझे लगता है लाइफ में ये सबसे बड़ा रॉन्ग डिसीजन हो सकता है आपका, क्योंकि टीजर ट्रेलर एंड मूवी के बीच में काफ़ी ही ज़्यादा डिफरेंट है। ट्रेलर देखकर तो ऐसा लग रहा था इस मूवी के अंदर गाइस कुछ भी नहीं था शायद, एंड पूरी की पूरी स्टोरी है गाइस वो रिवील कर दी थी उस टाइम लग रहा था गाइस, ऐसा गाइस यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं जब हमने ये मूवी देखी है। तो गाइस मूवी की बात करूँ, देखो यहाँ पे सनी देओल की बात करूँ गाइस, जिस तरह उन्होंने डायलॉग्स गाइस अप्लाई किए हैं एंड फर्स्ट हाफ में गाइस, फर्स्ट हाफ देखोगे ना सबसे पहले तो फर्स्ट हाफ काफ़ी आपको डीढ़ा लगेगा, मेरे को पर्सनली काफ़ी ज़्यादा थोड़ा उठक पुठक टाइप का लगा कि हाँ ये वगैरह वो हो गया। बट गाइस सेकंड हाफ की बात करूँ गाइस तो आपको मतलब काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा देखने के लिए। इसमें जो इमोशनल सीन्स है ना गाइस, आप यहाँ पे अभी मैं लिख के देता हूँ कि आपका अब आप बैठोगे ना, आप चाहकर भी ऐसे मतलब बोलोगे नहीं यार मैं तो फिर भी यार इमोशनल सीन्स है तो लेकिन मेरा बड़ा दिल है, लेकिन फिर भी आपकी आंखों में ऑटोमेटिकली गाइस आंसू हैं वो आ जाएंगे। इसमें कॉमेडी भी है, इसमें इमोशनल सीन्स भी है, इसमें एक्शन सीन्स भी है, इसमें लव स्टोरी भी है, इसमें मिक्स है सारा का सारा कुछ। यानी हर एक जो मूवी के अंदर बीच में होता है अलग अलग अलग, जैसे कोई एक्शन मूवी है उसमें एक्शन ही होगा, कोई लव आ रहा है उसमें लव एंगल ही होगा, उसमें ये होगा तो उसमें ये भी होगा, क्राइम का जो भी है, बट इसमें आपको सब कुछ मिक्स है देखने को मिल जाएगा, हर एक चीज़ देखने को मिल जाएगी जो एक मूवी पे चाहिए। मूवी जो आप देखने जाते हो, जो पैसा देके जाते हो, पैसा वसूल भी होना चाहिए, तो उसमें आपको सब कुछ है गाइस वो देखने को मिल जाएगा। हाँ इसमें गाइस जो लव स्टोरी है गाइस इस तरह की है जैसे हमने पिछली मूवी देखी हट के जरा बच की होगी, बवाल होगी, सत्य प्रेम की कथा होगी, तू जठी में मका, हाल ही में रिलीज हुई रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, काफी ज्यादा हटके इसलिए गाइस इसमें आप विद फैमिली फादर मदर दादा दादी सिस ब्रो जो भी है गाइस उसका मतलब सभी को आप एक साथ टिकट्स बुक करें और आप मतलब साथ में जाके देख सकते हो। और ऐसे ही बॉलीवुड में 10 20 25 30 सालों में कोई दो या तीन ही मूवीज़ गाइस ऐसी बनती हैं जो इन सभी के साथ आप देख सको, इन सभी के साथ आप मूवी का एक्सपीरियंस ले सको गाइस। ऐसा गाइस मुझे लगता मैंने लास्ट बार ऐसी मूवी कब देखी कि विद सभी के साथ आप इस तरह देखे आओगे। हाँ फ्रेंड्स के साथ तो देख सकते हो, जो मूवी हाल ही में रिलीज़ हुई उसका मैंने बताया भी था कि किस तरह गई थी वो, कैसे कैसे आप देखने जा सकते हो उन सभी के साथ या फिर नहीं। तो इस बार ये अच्छा खासा मौका है अगर आप इनके साथ प्लानिंग कर रहे हो, शायद फैमिली के साथ देखना गाइस मजा कुछ और ही होता है, फिर पैसे भी देखा जाए तो आप ये वाला कर सकते हो, इसमें कुछ वो नहीं है। ठीक है गाइस ये सबको आप क्लियर हो गया, अब बात करते हैं मूवी की। भाई देखो भाई इसमें जो फर्स्ट हाफ मैंने बताया कि वो इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन सेकंड हाफ की बात करूं गाइस तो यहाँ पे आपको टाइमिंग की बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा टाइम कैसे खत्म हुआ। यहाँ पे इतने इमोशनल सीन भी हैं, इमोशनल के साथ साथ भाई मैं क्या ही बताऊँ, जब मतलब तारा सिंह वो वगैरह पाकिस्तान जाता है वगैरह जो भी है उसमें जो एक्शन सीन्स हैं उस टाइम पे जो तारा सिंह मतलब अपने जो मतलब फेस से जो डायलॉग्स अप्लाई करता है, जो स्टार्टिंग से बोलता है कि तारा सिंह दुश्मन से पूछो कि तारा सिंह कौन है, जब आप यही आवाज़ साउंड थिएटर में जाके सुनोगे गाइस लिटरली गाइस मैं
क्या बताऊं, गूस बम्प्स देखने को मिलेंगे, गूस बम्प्स क्या बताऊं, इस टाइप का वहां पे। ये अगर आपने टीजर ट्रेलर में देखा था वो तो मतलब सिंगल पर्सन ऐसे देखने तो मजा बिल्कुल भी नहीं आता, यार क्या बोल रहा है। बट उस टाइम पे वो जो डायलॉग सप्लाई किए थे पाकिस्तान, जब पाकिस्तान वो गए थे, जो उस टाइम थिएटर पे व्यूवर्स ऑडियंस बैठी थी गाइज, भाई उनका कहना था कि काश हम भी यहाँ पे तारा सिंह के साथ वहाँ पे जाते, काश हम भी इस तरह एक्शन सीन्स कर पाते, कितना मज़ा। बाकी जो सॉन्ग आया था वो मैं निकला घटी लेके, उस सॉन्ग पे पब्लिक ने इतना ज़्यादा डांस किया, मैं क्या ही बताऊँ, मतलब इतने ज़्यादा खुश, हैप्पीनेस फील कर रहे थे सभी। एक तो 22 साल बाद आ रहे हैं सन्नी बाजी और इतने ज़्यादा खुश थे ना, मैं क्या ही बताऊँ सभी को। अगर मैं सकीना की बात करूँ गाइस, तो सकीना में कुछ यहाँ पे खामियाँ भी लगी मेरे को, कुछ यहाँ पे जब अलग अलग सीन होता है तो कहीं पे उनकी एज ज़्यादा लग रही थी, कहीं पे उनकी एज है गाइस वो कम लग रही थी। ये किस तरह का मेकअप किया था ये तो समझ में नहीं आया था, बट किस तरह उनको वो किया था, यहाँ पे प्रेजेंट किया था यहाँ पे मेकर्स ने, बट फिर भी थोड़ा सा मुझे यहाँ पे लगा फस्ती हुई। बाकी मैं सिनेमैटिक की ग्राफ करूँ, कोरियोग्राफी वगैरह जो भी बात करूँ, जो पीछे थीम वगैरह बात करूँ, एंड जो गाइस बैकग्राउंड पीछे गाइस जो यूज़ किया गया गाइज एकदम फंटेस्टिक है। हाँ कुछ ऐसा है इसमें, इसी के अंदर जो पब्लिक ने वहाँ पे इसको रिजेक्ट भी किया था कि हाँ ये अच्छी नहीं है बराबर जो भी है, लेकिन वो हम लास्ट में बात करेंगे। बाकी गाइस मैं बात करूँ यहाँ पे जीते की, तो जीते ने काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दी है गाइस, मतलब इतना छोटा सा बच्चा टाइप का एंड इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देना गाइस काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है। उनके एज के जो अभी एक्टर हैं जो इस तरह परफॉर्मेंस शायद ही वो ना गाइस ना कर सके, एंड वो पाकिस्तान जाना, इतनी मतलब ख़राब ज़िंदगी उनकी, मतलब मार ही खाते रहना, मार 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 मार, और उसके बाद पाकिस्तान वो कितना वो करता है। एक टाइम तो पाकिस्तान उनको सदाई मौत हो गए थे शायद, उनकी मौत मतलब ख़त्म हो गए थे वो। अब क्या भाई वो भी देखने वाली बात है, क्या सन्नी पाजी उनको बचा पाएंगे, क्या सन्नी पाजी पाकिस्तान से उनको वापस ले आएंगे, ये तो एक भैया क्वेश्चन है। ये तो आप सभी को बता दिया अगर, तो फिर तो सारी की स्टोरी रिवील हो गई, ये तो आप देख, ये सब देखने के लिए तो आपको थिएटर जाकर जाना पड़ेगा। ठीक है गाइज, ये हो गया सब कुछ एंड एक्शन सीन्स, जो एक्शन सीक्वेंस सीन से यहाँ पे गाइस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्लाइमैक्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा मेरे को अच्छे लगे हैं, एंड कुछ यहाँ पे इतने क्वेश्चन है गाइस वो क्रिएट नहीं होते हैं। एंड बाकी ओवरऑल देखूँ यहाँ पे सन्नी बाजी हो गए, सॉन्ग्स की बात करूँ, बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करूँ, सकीना की बात करूँ, एंड यहाँ पे गाइस मैं यहाँ पे क्या बोलते हैं उनको जीता की बात, गाइस सबसे अच्छी एक्टिंग की है। हाँ अब बात करते हैं थोड़ा सी इसको साइड में करते हैं, जो मतलब चीज़ है गाइस वो नहीं पसंद आई है कि देखो जो पब्लिक का कहना था उस टाइम पे कि भाई एक्सपेक्टेशन उनको इतनी थी कि इंडिया पाकिस्तान ये फाइट होगी। जैसे फर्स्ट फाइट में यहाँ फर्स्ट जो पार्ट था इसका, यहाँ पे स्कीना को यहाँ पे जो हमारे सन्नी बाजी हैं वो पाकिस्तान से लेने वापस आएंगे, भी एक्शन वगैरह होगा, और सेकंड पार्ट में उनके बेटे को लेने वापस जाएंगे, कुछ ऐसा ही सीन होगा उनको लग रहा था। हाँ भाई ऐसा ही है, स्टोरी के अंदर स्टोरी कुछ इसी तरह की है और सीन भी कुछ इसी तरह के हैं, बट काफ़ी यूनिक भी हैं कुछ, काफ़ी प्लेसेस में आपको मतलब ये आपने सोचा भी नहीं होगा कुछ सीन ऐसे भी हैं। ऐसा आप ट्रेलर देखो टीजर देखो आप जज नहीं कर सकते कि ये मूवी कैसी है। ठीक है, हाँ उनका कहना था कि भाई यूनिक कुछ इस तरह का होना चाहिए, जैसे कि वो अपने बेटे को पाकिस्तान जाएंगे सन्नी देओल देखने के लिए, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, और वो उनका बेटा निकले यहाँ पे साउथ कोरिया या फिर चाइना, पाकिस्तान ने उनको साउथ कोरिया चाइना में भेज दिया हो, कहीं वो इस तरह काम कर रहा हो, कुछ भी ले लो आप, वो मतलब आप विलन कुछ भी मतलब समझो कि वो ऐसा कुछ बन गया जो उसको नहीं बनना चाहिए। जो कि तारा सिंह पाकिस्तान आता है, उनके पॉलिटिशियन वगैरह उनको पूछता है कि भाई हमारा बेटा कहाँ, उसने क्या क्या किया, जो कि पाकिस्तान वाले उनको नहीं बताते हैं। कुछ इस तरह यूनिक स्टोरी गाइस क्रिएट करनी चाहिए थी, जो कि आप हमने सभी ने किसी ने नहीं सोची होगी शायद, उनका कहना था जो मतलब जिनको ये मूवी पसंद नहीं आई, यहाँ पे जो 50% कुछ ऐसे लोग थे इस तरह वो कुछ यूनिक सोच रहे थे। भाई देखो ऐसा तो नहीं है, मैं आप सभी को अब भी से बता दूँ। बाकी ओवरऑल देखो गाइस तो अच्छी है, मेरी तरफ से इसको 3.5 out of 5 stars। देखो भाई हर एक मूवी किसी को हर पसंद नहीं आती है, मैं आप सबको बड़ी बड़ी मूवीज़ का एग्जांपल देता हूँ। बाहुबली 2 आई थी जब तो बोल रहे थे कि भाई देखो यहाँ पे प्रवास के लिप्स हैं गाइस वो मैच नहीं कर रहे थे हिंदी डबिंग में, 500 करोड़ मूवी मार गई हिंदी में, 500 करोड़, इतने दिन तक रिकॉर्ड वो क्रिएट रहा, अभी हाल ही में उसने पठान ने उसको वेट किया था। एंड नेक्स्ट मैं बात करूँ जैसे KGF का टीजर आया था, शायद टीजर ही था वो सीन जो यहाँ पे गन यूज़ करते हैं वो यश एंड गाड़ियाँ उड़ जाती हैं वहाँ से 4-5-6 एक साथ, तो सभी बोल रहे कि ये फेक है यार, क्या KGF क्रिएट कर दी परेशान नील है, वो भाई वही मूवी 1200 करोड़ मार गई। उसके बाद मैंने दो ये तो एग्जांपल दे दी, ट्रिपर आया था उसका टीजर ट्रेलर जो भी ट्रेलर आया था वगैरह, वो शेर वाला सीन था जो यहाँ वहाँ पे बोल रहे थे कि यार कितना फेक दिख रहा है, ये सामने दिख रहा है ग्रीन स्क्रीन किस तरह यूज़ किया है इन्होंने, सामने फेक दिख रहा है, कुछ अलग करते यहाँ पे ऐसा सराजा मोली, तो क्या हुआ भाई वो भी मूवी रिकॉर्ड ब्रेकिंग बॉक्स ऑफिस में उसने धमाका किया, वो हेटर्स लोग कहाँ चले गए फिर,
देखो भाई कुछ थिएटर्स होते हैं हर एक मूवी के होता है। अगर मैं इंडियन मूवी देखूं, पठान देख लो, दंगल देख लो, और भी देख लो बड़े बड़े जो मूवीज़ हैं यहाँ पे, सिंगम देख लो वगैरह, जो भी एक्सेट्रा आप यूज़ कर सकते हो, तो हर एक मूवी का हेटर्स था भाई उस टाइम के। एंड मैं इसको ज़्यादा वो नहीं, मतलब आप ज़्यादा कुछ ना लो, जो हैं वो हैं वगैरह वो भी हैं। ओवरऑल देखोगे भाई स्टोरी अच्छी है, मिक्स है इसमें, आप विद फैमिली वो भी एक बार नहीं, इसको आप तीन बार भी जाके देख सकते हो। एंड यस गाइज, मैं आप सभी को बता दूंगा, अगर थोड़ी सी मैं इसको और स्टोरी थोड़ी सी रिवील करने की कोशिश करूँगा इसको, लेकिन आज तो नहीं, टुमारो को हमारा फिर से रिव्यू आएगा। अगर आप यस आज तो नहीं जा रहे हो देखने के लिए और कल शाम की प्लानिंग कर रहे हो, तो यस टुमारो का देखना, उसमें हम स्टोरी रिवील करेंगे, सॉन्ग्स किस तरह यूज़ किए, वो क्लाइमैक्स वाला जुवियन वाला सॉन्ग था वो किस तरह इन्होंने यूज़ किया। बाकी ओवरऑल देखूंगा इस, तो थिएटर में पब्लिक नाच रही थी, रो भी रही थी, तालियां भी बजा रही थी, डांस भी कर रही थी, सब कुछ कर रही थी, क्योंकि मूवी के अंदर सब कुछ था। एंड ज्यादा 85% पब्लिक को ये मूवी मतलब पसंद आई थी, बाकी 15% को ये नहीं आई थी, और मेरी था उसके 3.5 out of 5 star। बाकी गाइस जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब किया, अगर जल्दी से कर लो सब्सक्राइब, इस मूवी की एडवांस मूवी रिपोर्ट, बॉक्स ऑफिस का रिपोर्ट, सब कुछ आपको इसी चैनल पर मिलता रहेगा। बाकी जिन्होंने ये मूवी देख लिया, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये मूवी गाइस वो कैसी लगी है। बाकी जिन्होंने टिकट्स बुक कराए हैं, कितने विद फैमिली जा रहे हो या फिर सिंगल, तो बताओ हमें। बाकी गाइस अभी के लिए।